हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरस्टडी क्लासेस। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं जो यूजीसी नेट कॉमर्स का अभी रिसेंटली पेपर हुआ था 22 दिसंबर 2018 को। हालांकि आंसर की अभी कुछ ही थोड़े दिनों में एक्सपेक्टेड है और अभी फिलहाल आपके पास, मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर्स और आंसर्स जो हैं वो आ चुके होंगे। तो हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर आंसर्स क्या होने चाहिए, काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसे एक वीडियो के थ्रू एक डिस्कशन कर लिया जाए और सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लिया जाए और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके प्रोबेबल आंसर्स भी डिस्कस कर लिए जाएं। तो उसी डायरेक्शन में ये हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बार ओवरऑल ब्रेकअप जो था, एक पेपर का जो पैटर्न जो रहा था उसे देख लेते हैं। तो हालांकि ये हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीपल यूनिट्स में कवर अप किए जा सकते हैं, तो हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू लेते हुए क्वेश्चंस को डिवाइड करने की कोशिश की है और डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो उससे हमें जो ओपिनियन निकल के आ रहा है, जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, उसमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए वो मार्केटिंग मैनेजमेंट से पूछे गए, इंटरनेशनल बिजनेस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पूछे गए। तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं कि कौन से यूनिट से अराउंड कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए। तो फ्रेंड्स, हमारे डिस्कशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम जो यूनिट्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और अकाउंट इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग। तो स्टार्ट करने से पहले ये हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इसमें आप कुछ नंबरिंग भी देख सकते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप नंबरिंग को कृपया अवॉइड कीजिए क्योंकि नंबरिंग हर एक जो पेपर था उसमें अलग तरीके से नंबरिंग थी क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। आप क्वेश्चन और उनके आंसर्स पे फोकस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें हमें बता रखा है कि फर्म हैज इन्वेंटरी टर्नओवर ऑफ 3 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 270,000 और अगर इन्वेंटरी टर्नओवर बढ़ा करके 5 हो जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो अगर इन्वेंटरी टर्नओवर 3 है उसके हिसाब से हम अगर कैलकुलेशन करें फॉर्मूला में डाल के, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, हमारा जो फॉर्मूला लगेगा तो उसमें एवरेज स्टॉक की वैल्यू 90,000 आ जाएगी और अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को 5 कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना हो जाएगा, 4,50,000 और अगर हम इसके हिसाब से, इस नई रेशियो के हिसाब से एवरेज स्टॉक निकालें तो वो हो जाएगा 54,000। तो एवरेज स्टॉक अब हमारा हो गया है 54,000 और अगर हम इसमें से मैच करने की कोशिश करेंगे तो यही हमें सबसे अप्रोप्रिएट लगेगा कि इन्वेंट्री में डिक्रीज हो गया है 36,000 का। तो यहाँ पे इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो जल्दी से आपको बता देता हूं कि यहां चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर हमें थर्ड दे रखा है उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज एडेड टू नेट प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अगर हम ऑपरेशन से प्रॉफिट निकाल रहे हैं और हमें कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट है तो हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकें, ना कि ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने 40 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, 10 ईच के शेयर हैं और उनपे 4 पर शेयर पेडअप था और जो शेयर्स को रीइश्यू किया गया है वो किया गया है ₹8 पर शेयर। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस जो कंपनी चार्ज करे उन शेयर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो मेन बात ध्यान में रखनी है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट है जो कि दिया जा सकता है फोरफीटेड शेयर्स के री इशू पे, वो अमाउंट है जो कि ओरिजिनली हमने शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट या फिर ट्रांसफर किया होगा। तो अगर हमने इसको जब फोरफीट किया होगा तो फोरफीट करते टाइम हमने 4 उस पर पेडअप था तो 4 को हमने शेयर फोरफीचर में डाला होगा, तो हमने 8 पे इशू किया तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे कितना दे सकते हैं, केवल 4 का ही दे सकते हैं। तो मिनिमम प्राइस हमें 4 जो है वो चार्ज करना होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो इसमें हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वो बेस्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का और बता रखा है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने भी ये बताया है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे रीजन को लेके कुछ जो है कन्फ्यूजन हो सकती है और हमें देखना है कि कैसे इसको ऑफिशियल आंसर की में बताया जाएगा, क्योंकि ये भी माना जा सकता है कि ये बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि ये बैलेंस आउट कर देता है हमारे रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, और ये भी मान सकते हैं क्योंकि ये लीगली हमें प्रोवाइड किया गया है तो ये बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होंगे और 3 या 4 में से आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ पे हमें कुछ अकाउंट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और
यहाँ पे पूछा हुआ है कि हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स हायर प्रॉफिट्स, जो पहला स्टेटमेंट है. तो ऑपरेटिंग रेशियो जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमारे जो हैं वो ज्यादा होंगे तो ये रेशियो ज्यादा होगी और जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो कम होंगे. तो इस रेशियो का ज्यादा होना मतलब प्रॉफिट्स का लो होना. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर BIFR सुपरविजन इज नोन एज. तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है अरेंज्ड मर्जर. जो भी इंडिया के अंदर BIFR अरेंज कराता है मर्जर फाइनेंशियली सिक कंपनीज के, उन्हें ऐसा मर्जर अरेंज्ड मर्जर के नाम से जाना जाता है. तो यहां पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट. तो ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जो कैश बजट प्रिपेयर करते हैं उसके रिसीट एंड पेमेंट मेथड, नेट इनकम मेथड, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, या फिर बैलेंस शीट मेथड, ये तीन मेथड्स होते हैं. तो कैश साइकिल मेथड यहां पे एक नहीं होता. तो यहां ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बेस्ड. तो यहां पे हमें बताया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनिशियली 3:2 है और एक्स एक नया पार्टनर एडमिट किया है जिसको 1/3 शेयर दिया जाएगा. तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाली है? तो अगर हम एक्स का शेयर निकाल दें तो बैलेंस बचेगा 2/3 शेयर. 2/3 शेयर को हम उनकी पुरानी रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर निकल आएगा 2:5 और बी का शेयर निकल आएगा 4:15. तो हम इसको कॉमन डिनोमिनेटर बना के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6:4:5. तो यहां पे ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. उसके अंदर हमें बता रखा है कि पीवी रेशियो 25% है, वेरिएबल कॉस्ट है 300, हमें सेल्स प्राइस निकालना है. तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमें लगाना है जो कि हमारा होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू पीवी रेशियो. तो यहाँ कंट्रीब्यूशन होगा सेल्स, सेल्स को अगर हम एक्स मान ले तो एक्स माइनस 300 होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 25%. तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो आएगा 400. तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे होना चाहिए 400, यानी कि ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. तो लास्ट स्टेटमेंट से शुरू करता हूं मैं. तो यहां लिखा है वॉल्टर मॉडल सजेस्ट करता है कि डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस. तो ये गलत हो जाएगा. एवरी कंपनी शुड फॉलो पॉलिसी ऑफ लो डिविडेंड पेमेंट, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है. हर एक कंपनी के लिए अलग पॉलिसी हो सकती है. नेक्स्ट है कि डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो उससे लिक्विडिटी पोजिशन इफेक्ट नहीं होता. तो डिविडेंड्स प्रॉफिट से तो हम देते हैं बट उसको शेयर होल्डर्स को कैश फॉर्म में भी दे सकते हैं हम. तो अगर कैश फॉर्म में देंगे तो लिक्विडिटी जरूर इफेक्ट होगा. फर्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट्स कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है थोड़ा डाइसी है. कई जगह माना गया है कि कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड हम दे सकते हैं बट हालांकि ऐसा देना नहीं चाहिए. और अगर हम स्टॉक डिविडेंड यानी कि बोनस शेयर्स की बात करें तो बोनस शेयर्स भी आपने अगर एनालाइज किया होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर कैपिटल रिजर्व में से इशू कर देते हैं. तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पे भी ये कहना गलत हो सकता है. तो यहाँ पे प्रॉबेबल आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला पूछ रहा है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. कंबाइंड लीवरेज मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है. तो डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल का तो एक्सप्लिसिट ही होता है, हम कैलकुलेट भी करते हैं. रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई एक्सप्लिसिट नहीं होता, इम्प्लिसिट होता है. इम्प्लिसिट मतलब कि अगर हम इस पैसे को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो वो कुछ रिटर्न्स जो है वो गेन करते इस पैसे पे. तो ये इसका इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. तो यहां ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ द फर्म आर 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 10 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट भी दिया है और हमें लीवरेज निकालना है जो कि कंबाइंड लेवरेज हमें कैलकुलेट करना है. तो बिल्कुल सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए कंबाइंड लीवरेज की, जो है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख और अर्निंग्स बिफोर टैक्स होगा कॉन्ट्रीब्यूशन 30 लाख माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट. तो यहां पे हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स होगा 10 लाख. तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूला में डालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन 30 ईबीआईटी सॉरी ईबीटी हमारा 10 होगा. तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 3 times. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें एक डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना होता है. हमें कैश फ्लोज दिए होते हैं और हमें एक प्रोजेक्ट का लाइफ दिया होता है. तो इसमें हमें डिस्काउंट रेट नोन नहीं होता और हमें वो डिस्काउंट रेट जो है वो फाइंड आउट करना होता है. तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग बेस्ड और एक लॉजिकल सा क्वेश्चन है. अ लो डेट इक्विटी रेशियो जनरली रिकमेंड होती है फॉर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस
और रीज़न दिया है कि इनिशियल ईयर ऑफ बिजनेस में डेट सर्विसिंग जो है वो लेस बर्डनसम होगा। तो पहले मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो इनिशियल ईयर ऑफ बिजनेस में डेट सर्विसिंग जो है वो हमारे लिए मोर बर्डनसम होगा, क्योंकि इनिशियल ईयर ऑफ बिजनेस में हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा अर्निंग्स नहीं होते और डेट के साथ हमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। तो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, असर्शन वाला स्टेटमेंट होगा वो ठीक हो जाएगा कि इनिशियली हमें डेट इक्विटी रेशो कम रखना चाहिए, डेट कम रखना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा रखना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो लिस्ट 1 के अंदर हमें बताया गया है एनपीए, एसएलआर, रेपो रेट और सीआरआर। तो एनपीए जो हमारे होते हैं अगर लोन्स एंड एडवांस 90 डेज में नहीं पेमेंट हुआ तो ए का हो जाएगा 3, और एसएलआर हमारा होता है जो मेंटेन करना होता है बैंक्स को इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो बी का हमारा हो जाएगा 4। तो ए और ए 3 बी 4 अगर आप मैच करने की कोशिश करें तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई। यहाँ पे रेपो रेट का मतलब होता है रेट जिसमें आरबीआई लेंड करता है मनी कमर्शियल बैंक्स को, तो सी हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आप देखेंगे सारे मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम। तो ये जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम है ये फर्स्ट टाइम जो आई थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 को अमेंडमेंट करके, और ये आया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1995। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किमिंग इन ई बैंकिंग इज अ मेथड ऑफ। तो स्किमिंग जो मेथड होता है इसे हम क्या कोशिश करते हैं कि जो कार्ड होल्डर है, जो डेबिट कार्ड होल्डर है, उसकी हम कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लें, डेबिट या क्रेडिट कार्ड कोई भी कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे स्टील कर लें। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में क्या नहीं आएगा, तो अगर हम नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग की बात करें तो उसमें मेनली दो चीजें आती हैं जिससे बैंक की लेंडिंग जो है वो इफेक्ट नहीं होती बट बैंक के पास एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है। तो ये होते हैं हमारे पास बैंक गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके अंदर जो है फंडिंग एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं होती, बस एक गारंटी या फिर एक क्रेडिट वर्दीनेस का सर्टिफिकेट वो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है कि नॉट अ फंड बेस्ड, तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस सीआरआर इट रिजल्ट्स इनटू। तो सीआरआर हमें पता है वो रेट है जो डिसाइड करता है कि जो बैंक्स हैं उनको आरबीआई के पास कितना पैसा रखना है। तो अगर आरबीआई इस रेट को रिड्यूस कर देगा तो मतलब बैंक्स के पास पैसा जो है वो ज्यादा हो जाएगा, आरबीआई के पास वो कम रखेंगे। अगर ज्यादा पैसा हो गया तो वो ज्यादा लोन्स दे सकते हैं, तो इसका मतलब इंक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज जो है इससे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीएस इनटू। तो इसमें हमें पता है कि एनपीएस की जो क्लासिफिकेशन होती है वो मेनली 3 टाइप्स में होती है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं अगर बात करूं तो क्रेडिट कंट्रोल करता है सीआरआर वगैरह से, रेपो रेट से, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स का कस्टोडियन है और बैंक नोट्स भी इशू करता है, पब्लिक के साथ डायरेक्टली डीलिंग नहीं करता। तो इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो फंक्शन नहीं है आरबीआई का और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क। तो सार्क के अंदर यहां बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात थी याद रखने वाली कि ऑब्जर्वर कंट्री हमें पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास कंट्रीज आती हैं चाइना, ईयू, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार और यूएसए। तो यहां पे कनाडा जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री में नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, इसमें हमें दो लिस्ट दे रखी हैं और कुछ टर्म्स दे रखी हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। तो हमसे पूछा गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें पता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का होता है उसे कंसिडर करते हैं, तो ए हो जाएगा 4। करंट अकाउंट में हमें पता है विजिबल्स और इनविजिबल्स दो चीजें आती हैं। इनविजिबल्स के अंदर हमारे पास सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं और अदर ट्रांसफर इनकम आती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा। तो अगर हम ए को 4 के साथ मैच करें और बी को 1 के साथ तो हम अगर देखें तो यहां पे हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में ये कंडीशन हो रहा है, तो सोल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें पता है कि दो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जानते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यानी कि आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और आईबीआरडी, ये हमारे एस्टेब्लिश हुए थे 1944 के अंदर। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ऑप्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो ये बिल्कुल पार्ट होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स भी पार्ट होते हैं, बोरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज, इसमें हालांकि थोड़ा डाउट हो सकता है आपको, बट हमने काफी सोर्सेज से इसे रेफर किया और काफी सोर्सेज में इसे इंक्लूड किया गया है बोरिंग कैपेसिटी को भी। और वहां पे बताया गया है कि जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी में गोल्ड भी आता है, फॉरेन करेंसी भी आती है, आईएमएफ की जो फैसिलिटीज है और एसडीआर, साथ ही साथ कंट्री की बोरिंग कैपेसिटी वो भी इंक्लूड करी जाती है। तो ये सारे जो है पार्ट हो जाएंगे इंटरनेशनल लिक्विडिटी का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट रिस्क और प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं एक्सपोर्टिंग की, डायरेक्टली एक्सपोर्ट करो या फिर इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट करो, तो आप अपनी कंट्री में बैठ के ही दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो यहां पे आपको ज्यादा रिस्क नहीं है, आप अपनी कंट्री में बैठे हो, दूसरी पे एक्सपोजर कम है। और अगर आप ज्वाइंट वेंचर में इन्वॉल्व हो तो आपके साथ बिल्कुल साथ में कोई एक और पार्टनर होगा, तो रिस्क जाहिर सी बात है डिवाइड हो जाएगा और प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएंगे। पर अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डायरेक्ट वहां पे पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो क्योंकि आप काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे और आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट भी हाई होगा। तो यहां पे जो आंसर प्रोबेबल लग रहा है हमें वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आंसर लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। तो इसमें 1, 2 और 4 ये तो बड़ी क्लियरली पता लग रहा है कि ये तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, बट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा डाउट है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कई जगह आप देखेंगे कि उसके थ्रू इनडायरेक्टली फंडिंग जो है फॉरेन फंड्स इंडिया में आ रहे हैं, और ऐसा हमें कई न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिला। तो अगर हम ब्रॉडर व्यू लेके बात करें तो ऑप्शन होना चाहिए इसका ऑल ऑफ दी अबव, हालांकि ऑल्टरनेटिव व्यू भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ मेजर प्रोग्राम्स ऑफ एक्सिम बैंक डज नॉट इंक्लूड। तो यहां पे अगर हम थोड़ा नैरोली इंटरप्रेट करेंगे कि एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज, हमें सिर्फ इसे ही देखना है, तो हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। तो अगर आप एक्सपोर्टिंग कंपनीज बात करेंगे, जो कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी चाहिए, टर्म लोन्स भी चाहिए। बट क्योंकि आप केवल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपने इंडिया में बैठे हैं आप, तो आपको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर मैं बात करूं क्या ये सारे प्रोग्राम्स एक्सिम बैंक के हैं, तो सारे प्रोग्राम्स, मैंने खुद एक्सिम बैंक की वेबसाइट को स्टडी किया, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं और सारे फाइनेंसिंग फैसिलिटीज एक्सिम बैंक दे रहा है। तो इसीलिए हमें थोड़ा अगर नैरो व्यू लेके इंटरप्रेट करें तो उसके मुताबिक जो है आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जो एजेंसी है इनमें से जो कि मॉनिटर करेगी ट्रेड को, डेवलप करेगी, वो जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो हमारा है वो इस चीज में एंगेज रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू मेक बिजनेस एनवायरमेंट स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। तो अगर आप मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं, सारे नेशंस इकट्ठे आके काम कर रहे हैं, तो कुछ वो यूनिफॉर्मिटी से काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी और प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और रीजन में लिखा है कि प्रॉमिसिंग नॉट टू रेज ट्रेड बैरियर्स कैन बी एज इंपॉर्टेंट एज लोअरिंग वन बिकॉज द प्रॉमिस गिव्स द बिजनेस अ क्लियर व्यू ऑफ द फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर वो आपस में मिलकर प्रॉमिस भी कर लेते हैं कि हम ट्रेड बैरियर्स को चेंज नहीं करेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है एक प्रिडिक्टेबिलिटी बन जाती है, एक स्टेबिलिटी बन जाती है। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिंक करेंगे तो यहां पे हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और आर भी राइटली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो थ्योरी है पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर एंडाउमेंट रेदर देन प्रोडक्टिविटी, ये किसने दिया है? तो ये फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड का, जो कि दिया है हर्षकर ओलिन ने। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
तो नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसे ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करना है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू भी करता है ये मेंबर कंट्रीज का, डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स भी सेटल कराता है मेंबर कंट्रीज के। पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे बहुत ज्यादा बात करी गई है ट्रेड एग्रीमेंट्स की, बात की है इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। तो अगर हम WTO को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो WTO के काफी एक्सेप्शंस में आते हैं, और WTO का रोल ट्रेड एग्रीमेंट्स के प्रति थोड़ा लिमिटेड है, रोल है बट वो इतना वाइड नहीं है जितना यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। तो मैं बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पहला है, फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट मार्केट के अंदर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय वन करेंसी अगेंस्ट सेलिंग अनदर करेंसी एट एन एग्रीड प्राइस फॉर सेटलमेंट ऑन द स्पॉट डेट। स्टेटमेंट टू है, डेट ऑफ मेचोरिटी ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन टू बिजनेस डेज इन फ्यूचर। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का स्पॉट ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनकी जो सेटलमेंट होती है टू बिजनेस डेज के अंदर। तो स्पॉट डेट पे सेटलमेंट नहीं होती, स्पॉट डेट का प्राइस लिया जाता है सेटलमेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट होगी। और सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है कि डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन टू बिजनेस डेज इन फ्यूचर। तो यहां मेच्योरिटी की बात हो रही है, सेटलमेंट की बात नहीं हो रही। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे ओवर द काउंटर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें कोई भी डेट का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं जो कि फ्यूचर का डेट और टाइम है। तो यहां पे ऐसा लिखना कि मोर देन टू बिजनेस डेज होना चाहिए तो यहां कुछ ज्यादा सेंस हमें नहीं लग रहा, तो ये स्टेटमेंट भी हमें इनकरेक्ट लग रहा है। और यहां पे हमें ऑप्शन लग रहा है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैच करना है, और ये क्वेश्चन मैं मानता हूं आपको सभी को याद ही होगा कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। एएस 1 है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 3 है कैश फ्लो, 10 है फिक्स्ड एसेट्स और 19 है लीजेस का। तो अगर आप इनको मैच करने चलते हैं तो मैच आप नहीं कर पाते क्योंकि 1 ही ऑप्शन नंबर 2 के साथ कहीं मैच ही नहीं हो रहा, तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है हमारे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, An option which gives its holder the privilege of selling to other party a fixed amount of some stock at a stated price on or before a predetermined date is known as a call option. तो अगर आपके पास ऐसा right है कि आप दूसरे person को sell कर सकते हो तो sell करने का right जो होता है वो होता है put option। तो ये आप statement हमारा गलत हो जाएगा। और second statement में लिखा है कि आपके पास जो है privilege है purchase करने का, यानी right to buy। तो right to buy हमारा होता है call option, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट उल्टे हो जाएंगे, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें स्टेटमेंट 1 दिया है, पंचुअलिटी एंड टीम स्पिरिट जो एम्प्लॉइज के बीच में होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रॉफिट्स को एनहांस करने में, बट वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 की तो ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर थोड़ी एम्बिग्यूटी हो सकती है और इंटरप्रिटेशन आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। बट यहां पे जो जनरल हमें इंटरप्रिटेशन लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है फाइनेंशियल पोजीशन तो करेक्टली दिखाते हैं, बट ओवरऑल बिजनेस पोजीशन जिसमें हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के साथ साथ पूरा ह्यूमन रिसोर्स और भी इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीजों को कंसिडर कर लेते हैं, तो वहां पे थोड़ा वो इतना क्लियरली और करेक्टली नहीं दिखा सकते। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट होना चाहिए और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सिक्योरिटीज के बीच में अगर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उनके बीच में जो रिस्क है वो केवल वेटेड एवरेज होता है, रिडक्शन नहीं होता, केवल एवरेजिंग होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड में हमें बताया कि अगर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो जाए तो रिस्क को हम कंप्लीटली इलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा प्रोपोर्शन मेंटेन करें तो हम कंप्लीटली भी इलिमिनेट कर सकते हैं अगर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है सिक्योरिटीज के बीच में। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक हो जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहां पे हमें ऑप्शंस दे रखी हैं, पर्पस ऑफ इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय सेबी इज टू ब्रिंग मॉनेटरी गेन्स टू इन्वेस्टर्स। तो ये गलत है, सेबी को एक SCR एक्ट के अंदर बनाया, ये भी गलत है क्योंकि सेपरेट एक्ट है सेबी का 1992 के अंदर, और सेबी जो है कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम अमंग द डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस स्टॉक एक्सचेंज, ये भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे लीज से रिलेटेड चार स्टेटमेंट्स कही गई हैं. तो पहला है कि टैक्स शील्ड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर लेसर एंड लेसी, तो बिल्कुल ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है कि लीज ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लीज एक्ट. तो लीज ट्रांजेक्शन इन इंडिया की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर काफी जो है बात की गई है स्टेट्यूटरी फ्रेमवर्क की लीज ट्रांजेक्शन को रिलेटेड. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू जो है वो हमारे हिसाब से गलत होना चाहिए. और लेसी शुड इवेल्युएट द लीज पोजीशन अगेंस्ट द बाइंग ऑप्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है. और फाइनेंशियल लीज है तो बैलेंस शीट के अंदर एज एन एसेट शो करना है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ पे 3, 4 और 1 हमें ठीक लग रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. तो अगर हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ऑमिट हो जाता है. और सेकंड स्टेटमेंट जो है इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो अगर आपको याद हो, अगर हम बिल्डिंग को जो विसिनिटी में है एग्रीकल्चर लैंड की उसको स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं तो तब एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है. बट यहाँ पे काफी कंडीशंस हमें फुलफिल करनी पड़ रही हैं. आगे चलते हैं, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म, ये तो बिल्कुल हट गया यहाँ से. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज वेयर ड्यूनिटेड पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर रीप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस इन फॉरेस्ट्री आर कैरिड आउट. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास जो ट्रीज हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं स्पॉन्टेनियसली और अगर हम उनको काट के सेल करते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. बट अगर हम खुद प्लांट करते हैं ट्रीज को, रीप्लांटेड ट्रीज को हम सेल करते हैं तो यहाँ पे वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट माना जाता है. तो यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट जो हमें ऑप्शन लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 194 IB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, उस एक्ट के अंदर जो भी कोई इंडिविजुअल HUF है जिस जो ऑडिट के अंदर कवर्ड नहीं है 44 AB के अंदर, उसे अगर पेमेंट करनी है किसी रेजिडेंट को किसी रेंट की फॉर द यूज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो कितना रेंट एक्सीड करे तो ताकि उसे TDS काटना हो. तो इसके अंदर जो हमारे पास जो लिमिट दी गई है लॉ के अंदर वो दी है 50,000 per month. तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस निकालनी है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो अगर हम इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट की बात की गई है. तो यहाँ पे पहले हमें निकालना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि GAV. तो वो हमारा होगा हाईएस्ट ऑफ दीज वैल्यूज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, तो ये हो जाएगा 160. और हम एक्चुअल रेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा 20,000 × 12 यानी कि 2,40,000. उसमें अगर हम अनरियलाइज्ड रेंट की भी एडजस्टमेंट कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो निकल के आएगी हाईएस्ट कंसीडर करके वो आएगी 2 लाख. और अगर हम इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस की एडजस्टमेंट कर देंगे अप टू 20% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू यानी कि 30,000, तो हमारे पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू. तो हमें 2 लाख में से 30,000 एडजस्ट करेंगे तो बचेगा 1,70,000. तो यहाँ पे ये आंसर हमें होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें हमारे पास दो लिस्ट दे रखी हैं और ये इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस की बात की गई है. तो पहले अगर हम बात करें, हम पहले ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस. तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस हमें पता है कि ये अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट हमें एग्जम्पशन मिलती है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है 1 के साथ. और अगर हम बात करें फिर ऑप्शन नंबर बी की कि पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय, तो विडो को जो पेंशन मिल रही है वो हमारे पास अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है ना कि सैलरी में. तो यहाँ पे बनेगा बी का 3. तो अगर हम बी 3 और डी 1 को मैच करना चाहेंगे तो आपके पास क्लियरली आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ हमें लिस्ट दे रखी है और कुछ हमें पास आइटम्स भी बता रखी है और हमें बताना है कौन से हेड में ये आएंगी. तो यहाँ पे अगर हम परक्यूजिट्स की बात करें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. परक्यूजिट्स के अंदर कार हमें मिलती है, क्लब मेंबरशिप मिलती है, हाउस मिलता है, तो वो परक्यूजिट्स हैं. तो सी तो 1 होना ही चाहिए. और जो हमारे पास फ्रिंज बेनिफिट्स और क्लेम्स हैं तो ये इसमें थोड़ा सब्जेक्टिविटी आ सकती है. बट हम जनरल बात करके चलें तो क्लेम्स के अंदर हमारे पास जैसे हमें कुछ एक्सीडेंट हुआ है उसका रिलीफ मिल गया, उसका क्लेम मिल गया, तो वो आ सकता है. और तो इसलिए हम ए को 3 से मैच कर सकते हैं. और फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर हमारे पास जो भी अदर बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जो अलाउंसेज हमें मिलते हैं, जैसे हमें इंटरनेट अलाउंस मिल गया, मोबाइल अलाउंस मिल गया, तो ये सब अलाउंसेज को हम फ्रिंज बेनिफिट्स में इंक्लूड कर सकते हैं. तो इसलिए हमारे पास आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि सर्टन कंडीशंस फुलफिल करने पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कितनी डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पे डिडक्शंस का पीरियड थोड़ा अलग होता है, फर्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स और उससे नेक्स्ट 5 ईयर्स का, बट जो टोटल डिडक्शन मिल सकती है वो 15 ईयर्स के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि कंपनीज हैविंग बिजनेस इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जिन कंपनीज का बिजनेस लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में होता है, तो वहाँ पे आप अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे से ही लगेंगे। तो हालांकि बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है इन सब में, और जो स्टेटमेंट दी गई है बहुत ही वाइड दे रखी है कि उन सब से हम रिलेट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा एम्बिगुअस है, तो देखते हैं क्या ऑफिशियल की में आंसर इसका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है कि मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो हैं वो पब्लिक मोनोपोलीज, यानी कि गवर्नमेंट की जो अपनी मोनोपोलीज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जैसे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की, प्रोडक्टिविटी लो है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पुअर है और ओवर एम्प्लॉयमेंट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को लेके आना है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, ताकि हम रिस्क शेयरिंग कर सकें, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकें और बेटर मैनेजमेंट जो है वो कर सकें। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है। तो यहां पे ये दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है वो ठीक होने चाहिए और आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हैज बीन प्रॉम्प्टेड बाय विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट्स। तो यहां पे हमें चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो हुआ था वो 1949-50 के जो दौरान है वो हुआ था, तो ये थोड़ा दूर लग रहा है मुझे 1956 से। तो 1 को जो है वो एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, और इकोनॉमिक प्लानिंग प्लान्स हमारे पास बन रहे थे तो बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी फोकस हो रहा था स्पेशली सेकेंड प्लान में, तो ये भी ठीक लग रहा है, और सफिशियंट फंड्स वाला भी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 जो है वो आंसर में आने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, उसके अंदर हमारे पास 2 लिस्ट प्रोवाइडेड हैं और हमें मैच करना है इन्हें। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री। तो बिल्कुल वो प्रोडक्ट हमारे पास होम कंट्री में नहीं है, केवल बाहर और बाहर हो रहे हैं, तो इसे कॉन्ग्लोमरेट FDI से लिंक किया जा सकता है। तो ए का होना चाहिए 3, और हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की, तो लिखा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, हमें सेल करना है, तो सेल करने को हम लिंक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है उससे। और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इनपुट्स के लिए, इनपुट्स को हम लिंक कर सकते हैं बैकवर्ड वर्टिकल FDI से, तो इसको लिंक किया जा सकता है स्टेटमेंट 2 से। और फॉरेन फर्म्स इन्वेस्टिंग ओवरसीज एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर द फॉरेन एसेट्स, ये होता है इनवर्ड FDI, तो डी को लिंक किया जा सकता है 1 से, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शन है कंज्यूमर्स नीड टू बी गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टन ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस मेथड्स। तो बिल्कुल ठीक है, कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए, और रीजन बताया है कि प्रोटेक्शन एज पर मार्केट फोर्सेस एंड केवियट एम्प्टर इज नॉट इनफ एज परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इज एन इकोनॉमिस्ट ड्रीम एंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ मिथ। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ एंगल से ठीक बात भी करी गई है कि जो प्रोटेक्शन है कंज्यूमर को मार्केट फोर्सेस से इतना नहीं मिल पाता, और हमें लीगल प्रोटेक्शन उसको तभी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंपली मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे तो तब कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास लॉस भी बनाए गए हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं और आर जो है एक्सप्लेन कर रही है राइटली स्टेटमेंट नंबर 1 को, तो ऑप्शन 1 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्ट दे रखी हैं और हमें इन्हें मैच करना है। तो यहाँ पे हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताना है कि राइवल फर्म्स जो हमारी होती हैं वो हमारे आती हैं इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी आती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर। तो अगर हम A3 और B1 को मैच कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स द इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट. तो बिल्कुल ठीक है, जो हमारे क्रिएशन ऑफ माइंड होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है, आईपीआर डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट्स एंड मॉरल राइट्स. तो यहां पे अगर हम आईपीआर का थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग लेके चलते हैं तो उसके अंदर सब कुछ आता है, ट्रेड सीक्रेट्स और मॉरल राइट्स भी आता है. बट जो हमारे पास कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनको जनरली एक्सक्लूड करके चलती हैं आईपीआर से. तो यहां पे इन जनरल अगर हम ब्रॉडर मीनिंग की लेके बात करें तो हमारे हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो वन ठीक होनी चाहिए और टू जो है वो गलत होनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन अवर कंट्री डू नॉट कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहां पे थोड़ा एक एम्बिगुअस सा क्वेश्चन मुझे लगा. तो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करी गई है और बताया कि कौन सा इनमें से नहीं होता सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म. तो यहां पे ग्रोइंग इंडियन ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, पॉपुलेशन कंट्रोल, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, क्लीन एनवायरमेंट, ये चार ऑप्शंस भी दिए हैं. तो अगर मैं सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स को इन जनरल बात करूं तो हम इसे इकोनॉमी से रिलेट करते हैं. तो इकोनॉमी से अगर मैं रिलेट करूं तो मुझे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस भी इकोनॉमी से लिंक्ड लग रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी लग रहा है और एक्सप्लॉइटिंग द नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी भी लिंक्ड लग रहा है. तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो, बट हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन भी लिया जा सके. थोड़ा रूम है एम्बिग्यूटी का यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग. तो देखते हैं क्या आंसर इसमें फाइनल लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द रिसेंट डिकेड्स. तो अगर हम रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो अभी रिसेंटली जो पॉपुलर रूट चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रेटेजिक सेल. तो स्ट्रेटेजिक सेल जो हमारा इसका मीनिंग होता है कि हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को एक काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है पीएसयू का सेल कर देते हैं. तो रिसेंटली अगर हम एयर इंडिया की भी बात करें और काफी सारे जो डिसइन्वेस्टमेंट्स हुई हैं तो उसमें भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की ही बात चल रही है. तो स्ट्रेटेजिक सेल जो है हमारे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स विच वॉज हेल्ड ऑन 22 दिसंबर 2018. थैंक यू फ्रेंड्स. तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा. तो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें. और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें भेज सकते हैं, hello@everstudy.in हमारा ईमेल आईडी है. और फेसबुक पर भी आप हमें ढूंढ सकते हैं, facebook.com/everstudyclasses. और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक है t.me/everstudy और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा. तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर.